हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही काम काज चैनल में। तो समर वेकेशंस में जो भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं उसकी पहले स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि कब मैन्युफैक्चरिंग लगाना आसान है, कब इनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं लगती है तो ये लॉस में जाते हैं। कोई भी बिजनेस हो, समर वेकेशंस में अगर चलने वाले सीजनेबल बिजनेस हैं, इनकी शुरुआत होती है दिसंबर से। दिसंबर में आपको मार्केटिंग एंड रिसर्च कंप्लीट करके बिजनेस की स्टार्टिंग के लिए जनवरी में मशीन परचेस कर लेनी चाहिए। नंबर वन बिजनेस जो इस सीजन का सबसे बेस्ट बिजनेस होने वाला था, उसकी मशीन अगर आप लगाते तो आप अच्छा कमा लेते, बट अब उस मशीन को खरीदना बिल्कुल व्यर्थ है। नंबर वन बिजनेस है पेप्सी, जो आप देखते हैं 1 से 1.5 लाख रुपए की मशीन आती है, इस तरह की मशीन लेना अब बिल्कुल व्यर्थ हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एक्चुअल में जो मशीन थी, इसका अगर आप लगाते तो मार्केटिंग रिसर्च आपको करना होता, प्लांट लोकेशन पे प्लांट सेटअप करना होता, एक एचआर डिपार्टमेंट के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्सेज हायर करने पड़ते, अपनी टीम बनानी पड़ती, देन सेल्स के लिए एक प्लान बनाना पड़ता, सेल्स प्लान के बाद में आपको मार्केट में निकल कर इस प्रोडक्ट को सेल करना होता। तो प्रोडक्ट लेवल आते आते आपको अपने प्रोडक्ट की कमर्शलाइजेशन करने के वक्त आपको काफ़ी टाइम लग जाता। अब आता बात कि यहाँ पर फरवरी मार्च तक आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाता, तो आप बिजनेस में जो मार्च से ही सीजन शुरू हो जाता है, इसलिए आप काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मई में आते ही अगर इस तरह की मशीन लगाएंगे तो जो सीजन है मई जून, जो पीक सीजन होता है जुलाई में, ये सीजन चला जाता है डाउन पर, सीजनेबल कोई भी बिजनेस हो तो ये टाइम नहीं है इस वक्त मशीन परचेस करके काम करने का। मार्केट की प्रॉब्लम ढूंढ लो। इस वक्त मार्केट में वो लोग आ रहे हैं जिनके पास में मशीन है, नए लोग आएंगे तो फ्लो में वो काम नहीं कर पाएंगे, और आप इस वक्त जो बेस्ट तरीका है काम करने का वो है सेल्स एंड मार्केटिंग से। अपना मार्केट तैयार कर लो इस तरह के बिजनेस का, और वो भी 10,000 रुपये में कर सकते हो आप। 10,000 रुपये में ये बिजनेस शुरू होगा वो कैसे समझो। 1,500 रुपये का बैंड सीलर परचेस करो, 5,000 रुपये का रॉ मटेरियल परचेस करो, 5 रुपये का ये प्रोडक्ट बिकेगा। मैं इसीलिए ब्रीफली बता रहा हूँ ये बिजनेस वीडियो, कि आप ये बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के वीडियोस और जगह देख सकते हैं। हम एडवाइस की और बिजनेस में ग्रो करने की बात करते हैं आपके साथ में। तो जैसे ही आप ये 7,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 3,000 रुपये अपने लिए कैपिटल रख लीजिए, और ये 5,000 का माल आप 15 दिन में बेच देंगे। 5,000 से अगर आपने 7,000 रुपये का रेवेन्यू कमा लिया स्टार्टिंग में, इस तरह के बिजनेस में इतना पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो 10,000 रुपये में आप ब्रेक इवन पर आ जाएंगे। और ब्रेक इवन पर आने के मतलब, अगर आपने 2 महीने में 15 से 20,000 रुपये कमा लिए इस बिजनेस में, या 15 से 20,000 में एक्सपीरियंस ले लिया, तो नेक्स्ट ईयर आपका वेट कर रहा होगा जहाँ पर आप पहले से तैयारी रखेंगे। इस तरह के बिजनेस में जब भी आते हैं ना आप, तो ये जून तक चलने वाला बिजनेस है, जुलाई में डाउन जाता है बिजनेस। हमारे क्लाइंट्स के साथ में हम काफ़ी डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस। इस तरह के बिजनेस में अगर आप आते हैं, मशीन लेते हैं, तो आप अब लेट हो चुके हैं, तो इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग मत लगाइए। सेम एडवाइस दूंगा, आप सेल्स एंड मार्केटिंग करना चालू कर दीजिए, मार्केट बनाना चालू कर दीजिए। 50,000 रुपये लगा दीजिए इसमें। अगर 5 लाख लगाने का सोच रहे थे तो 5 लाख तो आपको कमा के नहीं देंगे, पर 50,000 से आप वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो मार्केट कमा लोगे कि अगले साल आप जस्ट डबल कमाओगे। तो स्टार्टिंग क्या है इस बिज़नेस की, वो आप समझिए। आपको बनी बनाई बॉटल्स परचेस करनी है, उन बॉटल्स में आपको फिलअप परचेस करना है, बड़ा प्लांट नहीं लेना है। 50,000 रुपये में आपको सिर्फ और सिर्फ एक, या तो सोडा शॉप वाले जो पर्सन्स हैं उनसे फिलअप करवाना है इस तरह का लिक्विड। बट थोड़ा बहुत तो डिमांड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि गर्मी पीक पर जाएगी, और गर्मी में रूरल और अर्बन रूरल जो मार्केट होते हैं, जो गांव से रिलेटेड मार्केट हैं, जो बस स्टैंड हैं, जो रेलवे स्टेशन हैं, इस साइड पे इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड रहती है। तो आपको मार्केट पकड़ना है, बेचना है। नेक्स्ट बिजनेस है वाटर प्लांट बिजनेस। वाटर प्लांट बिजनेस जो भी इस वक्त लगाएगा एज एन एंटरप्रेन्योर, वो सोच रहा होगा बिजनेस लगा लूँगा, इस बार मैं 2 महीने 3 महीने कमा लूँगा। देखिए सीजनेबल बिजनेस है। इस तरह के बिजनेस में आपको करना क्या है वाटर प्लांट में, सिंपल सा 3 मेथड फॉलो करिए। अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है तो उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए, बट आप ये फोकस करिए कि आप वाटर सप्लाई कैसे देंगे पूरे ईयर। सिंपल बॉटल्स पर अगर आप वाटर प्लांट लगा रहे हैं तो बॉटल्स का सीजन रहता है ऑल टाइम, आप लगा सकते हैं। साथ ही आप कैंपर डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको मंथली कैश फ्लो चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर कैश फ्लो नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा, कैसे आप सैलरी दे पाएंगे लेबर्स की।
तो आप तीन तरह से फोकस करिएगा इसमें। फर्स्ट, आप बॉटल्स पैक करके सेल करिएगा। इस बिजनेस में आप आइए, कम से कम इन्वेस्टमेंट करिएगा इस साल। अगर आपको बॉटल्स से कमाना था तो आप कैंपस ले लीजिएगा, बहुत सारे जो कैंपस में आप B2B काम करिएगा, जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड नंबर पे आप काम कर सकते हैं कि शादी जो पार्टियां अब आएंगी नवंबर में, अभी जितने भी सीजन खत्म हो चुके हैं, तो आप उस वक्त इस तरह के काम की आपकी डिमांड रहेगी। नेक्स्ट बिजनेस है कूलर मैन्युफैक्चरिंग। जो भी नया पर्सन इस बिजनेस में आएगा इस वक्त, वो बिजनेस एनालिसिस नहीं कर पाएगा, मार्केट की इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएगा, कस्टमर बिहेवियर नहीं समझ पाएगा, प्राइसिंग मैच नहीं कर पाएगा, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च नहीं कर पाएगा, साथ ही अपनी नई लेबर को ट्रेन नहीं कर पाएगा। जिनके पास में एक्सपीरियंस है वो इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग को करेंगे, नो डाउट वही डिमांड क्रिएट करवाएंगे और वही फुलफिल करेंगे। अगर जो भी नया एंटरप्रेन्योर आता है वो इस बार आते ही अपने इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकता, उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़े ड्रॉबैक्स देखने को मिलेंगे। जून में इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग लगाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जून और जुलाई बचेगा उसके पास में लॉकडाउन खुलने के बाद में, तो वहाँ पर वो ट्रेडिंग कर सकता है। ट्रेडिंग करे तो बेस्ट है, बने बनाए कूलर उठाकर दूसरी जगह बेच दे अगर उसका कोई इंटरेस्ट है इस तरह के बिजनेस करने में। नया पर्सन मतलब जो फ्रेश बिल्कुल इस बिजनेस में आ रहा है, मैं उसको एडवाइस दे रहा हूँ। जो पुराने लोग हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है मार्केट में कैसे काम करना है, बट नए पर्सन के लिए ये बिजनेस बिल्कुल बंद है। इस बार आप ट्रेडिंग करिए, मैन्युफैक्चरिंग मत करिए। ये चार बिजनेस इसलिए बताया है कि आपको ऑर्डर टू मैक नहीं जाना है, आपको मैक टू ऑर्डर चलना है। आपको अपने बिजनेस में बने बनाए प्रोडक्ट्स को बेच दो और बिजनेस में पैसा कमा लो। अभी बनाने का टाइम नहीं रहा है सीजनेबल बिजनेस में, और जब भी सीजनेबल बिजनेस में आओ हमारे से एडवाइस ले लो। आप कोई भी सीजनेबल बिजनेस कर रहे हो तो 6 महीने के लिए इस बिजनेस को करो, 6 महीने बाद में आपको वापस दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। तो ये याद रखना कि आपके पास में डबल थॉट्स हैं पूरे ईयर काम करने के, तो आप काम करो। अदरवाइज आप इस तरह से काम करो कि पूरा साल जो आपका बिजनेस चले उस पर फोकस कर लो, जो आपको ईयर बाय ईयर ग्रोथ देगा। अगर आप 6 महीने के लिए बिजनेस करना चाहते हो तो 6 महीने स्नैक्स का बिजनेस कर लो। स्नैक्स बिजनेस आपको 6 महीने में ग्रोथ देगा सर्दियों वाले में, और गर्मियों में आपको ये बिजनेस ग्रोथ देगा, बट वहां पर माइंड डाइवर्ट हो जाता है।